नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। महाराष्ट्र में ईवीएम के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया है। पहले तो एक गांव ने ईवीएम के नतीजों को खारिज करते हुए बैलेट पेपर से चुनाव कराए और अब ईवीएम से जीते हुए विधायकों ने ईवीएम के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया है। और आपको बता दें कि महाराष्ट्र के नतीजों को खारिज कर दिया है, उसके बाद से पेच फंस गया है, बवाल हो गया है। आपको बता दें जो कुछ भी आज सदन में हुआ उसके बाद से चुनाव आयोग के साथ साथ अमित शाह के भी हाथ पांव फूल गए हैं। तो कैसे सदन में आज 46 विधायकों ने बगावत कर दी है और अमित शाह कर्फ्यू लगाकर और पुलिस बल तैनात करके कैसे फंस गए हैं, इसी पर खास जानकारी देने के लिए प्रियंका जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रियंका जी, जो कुछ भी आज महाराष्ट्र विधानसभा में हुआ, सदन में हुआ, अगर वो पूरे देश में हो जाए तो आपको क्या लगता है किस तरह का माहौल देखने को मिलेगा? माहौल पलटता हुआ नजर आ रहा है प्रगति। देखा जाए तो आज महाराष्ट्र में हुआ जो हुआ है उसने गजब कर दिया है, मतलब इसकी उम्मीद ही नहीं की गई थी। हर बार आरोप लगाए जाते हैं कि इंडिया गठबंधन जब जाता है तो ईवीएम पर दोष मढ़ता है, किसी तरह का कोई आंदोलन नहीं करता है, लेकिन आज जो महाराष्ट्र ने चिंगारी फूंक दी है ये एक आग का रूप ले सकती है। इसमें चुनाव आयोग भी जल सकता है और तो और भारतीय जनता पार्टी को भी बड़ी टेंशन होने वाली है। बड़ी बात है प्रगति, अपने दर्शकों को भी बता दें कि इंडिया गठबंधन के या फिर यूं कहें महाविकास अघाड़ी गठबंधन के 46 विधायकों ने एक साथ सदन में खड़े होकर कह दिया कि भैया हम सब पर शपथ नहीं लेंगे और शपथ इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि हम ईवीएम के नतीजों को स्वीकार ही नहीं करते हैं। और पेच यहां पर आकर इस बात को लेकर फंस गया है क्योंकि ये वो विधायक हैं जो ईवीएम से ही जीत कर आए हैं, मतलब आप समझिए जो ईवीएम से जीते हैं विधायक वो भी इन नतीजों को खारिज कर रहे हैं। और तो और आदित्य ठाकरे जो कि उद्धव ठाकरे के बेटे हैं, उन्होंने साफ कह दिया है कि ये जो जनादेश निकल कर सामने आया है ये पब्लिक का जनादेश नहीं है, ईवीएम का नतीजा है और इस नतीजे को हम स्वीकार नहीं करते हैं। तो क्यों नहीं स्वीकार करते हैं वो भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि महाराष्ट्र के जब से विधानसभा चुनावों के नतीजे निकल कर सामने आए हैं कहीं पर भी किसी तरह का कोई धूम धड़ाका नहीं हुआ है, पब्लिक में कोई खुशी की लहर नहीं दिखाई दे रही है। उल्टा तो गजब ये हो गया है कि पब्लिक जो ईवीएम के नतीजे निकल कर सामने आए हैं उसे खारिज करती हुई नजर आ रही है। अब इसी को लेकर पेच फंस गया है और कितना तगड़ा ये पेच फंस गया है महाराष्ट्र सदन में आप तस्वीरें देख सकती हैं कि कैसे वॉकआउट कर दिया गया है, कैसे शपथ नहीं लिया गया है। अब इसके बाद चुनाव आयोग क्या करेगा ये भी अपने आप में देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि पहले ही उस संजय राउत की तरफ से बयान निकलकर सामने आ गया था कि हम महाराष्ट्र के नतीजों को स्वीकार नहीं करते हैं, और इस बार सिर्फ बयान नहीं दिया गया है एक्शन भी लिया गया है। तो जैसे कि प्रियंका जी आपने एक्शन की बात की है तो इस बार एक्शन दिखा है और सबसे बड़ी बात कि इस बार विधायकों ने ही बगावत नहीं की है। इससे पहले भी आप देख सकती हैं कि एक गांव है जिसने नतीजों को लेकर मोर्चा खोल दिया था और बैलेट पेपर से चुनाव कराने की बात कह दी थी और चुनाव कराए भी गए थे लेकिन फिर भी वापस लेनी पड़ी चीजें, तो इस पर आप क्या कहेंगे? वहीं से जुड़ा है, वहीं से यह आंदोलन उठा है और यही आंदोलन अब बड़ा से और बड़ा होता जा रहा है। मारकनवाड़ी गांव की आप बात कर रही हैं, इस गांव ने ईवीएम के नतीजों को खारिज कर दिया, चुनाव आयोग से मांग की कि फिर से चुनाव कराए जाएं, बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएं, लेकिन अब जब इस पर चुनाव आयोग तैयार नहीं हुआ तो उस गाँव के लोगों ने अपने खर्च पर बैलेट पेपर से चुनाव करवाने के लिए डेट को ऑर्गेनाइज किया और तो और वोटिंग भी शुरू हो गई। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी टेंशन में आ गई, खबर निकलकर सामने आई है, इंटरनल सूत्रों से यह दावा किया जा रहा है कि अमित शाह ने खुद इस मामले को इंटरवीन किया, कर्फ्यू लगा दिया गया, पुलिस बल तैनात कर दिया गया, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया गया, 11 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई। अब इससे आप समझ सकती हैं कि महाराष्ट्र में दाल में कुछ काला नहीं है बल्कि महाराष्ट्र में पूरी की पूरी दाल ही काली है। अगर आप इतने ही पाक साफ हैं कि ईवीएम के जो नतीजे आए हैं वो बिल्कुल 100% फुल प्रूफ है तो आपको दिक्कत क्या हो रही है कि एक गांव अपने खर्च पर बैलेट पेपर से चुनाव करवा दे, वहां पर चुनाव होने वाला था उस चुनाव को खारिज कर दिया ये कहते हुए कि ये गैर कानूनी है। अब यहीं पर पेच फंस गया है, महाराष्ट्र में बवाल खड़ा हो गया है। आपको बता दें प्रगति, जो मारकनवाड़ी गांव है जहां पर बैलेट पेपर से चुनावों को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया, वहां पर राहुल गांधी जल्द ही दौरा करने वाले हैं और शरद पवार भी दौरा करने वाले हैं, कल ये दौरा हो सकता है और इस दौरे के बाद ये बवाल कितना ज्यादा बढ़ने वाला है आप समझ सकती हैं। क्योंकि यहां पर मैं आपको बता दूं कि जहां पर जिस मारकनवाड़ी गांव की मैं बात कर रही हूं वो शरद पवार का गढ़ है, लेकिन इन सबके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी
प्रत्याशी जीत गया है। अब पब्लिक का कहना है कि हमने तो बीजेपी को वोट नहीं किया, तो बीजेपी का प्रत्याशी कैसे जीत सकता है? मतलब पब्लिक भी नहीं स्वीकार कर रही है, ईवीएम से जीते हुए विधायक भी नतीजों को नहीं स्वीकार कर रहे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र का खेल बहुत दिलचस्प दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, अगर हम देख सकते हैं सरकार का गठन हो गया है लेकिन नतीजों को लेकर पेच फंस गया है। लेकिन आपको याद होगा इसी चीज को लेकर अखिलेश यादव ने पहले ही सदन में बिगुल फूंक दिया था और ये मामला काफी हाईलाइट हुआ था। एक छोटा सा बयान है अखिलेश यादव का, पहले हम वो दर्शकों को सुना देते हैं फिर और इस पर चर्चा करेंगे। ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 की 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। ना ईवीएम का मुद्दा मरा है ना जाएगा खत्म, जब तक ईवीएम नहीं हटेगी हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़ग रहेंगे। तो प्रियंका जी, जैसे ही अखिलेश यादव ने कहा था कि ईवीएम से ही जीत कर ईवीएम को हटाने का काम करेंगे, वैसा ही कुछ अब महाराष्ट्र के विधानसभा में देखने को मिला है। और जाहिर सी बात है ईवीएम से जीत कर ईवीएम को हटाने का काम किया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो विधायकों ने कमान संभाली है ये उद्धव ठाकरे की पार्टी के विधायक है। हालांकि महाविकास अघाड़ी गठबंधन के सारे विधायकों ने इसको सपोर्ट कर दिया है, लेकिन आदित्य ठाकरे खुलकर सामने आए हैं। और अखिलेश यादव का बयान का आपने जिक्र किया जो कि हमारे दर्शकों को सुनाया भी है, ये अखिलेश यादव का बयान तब दिया गया था जब पहली बार अखिलेश यादव सदन में पहुंचे थे। और आप देख सकते हैं कि पहली बार ही जब बोले थे तो गर्दा उड़ा कर रख दिया है। जब अखिलेश यादव ने बयान दिया तो राहुल गांधी भी टेबल पीटते हुए नजर आए थे। अखिलेश यादव ने साफ कह दिया था कि भले ही हमने उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनावों में शानदार जीत दर्ज की है, लेकिन फिर भी हम इन नतीजों को लेकर अभी भी शंका में हैं। और इन नतीजों को लेकर ऐसा नहीं है कि अब जो ईवीएम का मुद्दा है वो मर गया है। ईवीएम का मुद्दा ना मरा है ना मरेगा, और तो और लोकसभा की जो 80 की 80 सीटें जीत जाऊं मैं तब भी मैं इन नतीजों को नहीं मानूंगा और ईवीएम से जीत कर को हटाने का काम करूंगा। तो अखिलेश यादव ने जो ये बयान दिया था ये अपने आप में बहुत बड़ा बयान है। जो अखिलेश यादव ने लोकसभा में कहा था वो देख सकती हैं आप, महाराष्ट्र के सदन में सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है। अब हरियाणा में आप जानती हैं कि कैसे खेल हुआ और इस खेल को लेकर चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया। फिलहाल अब हरियाणा का मुद्दा शांत नहीं हुआ था, महाराष्ट्र में भी गजब खेल हो गया है। और महाराष्ट्र में जो पानी है प्रगति वो सिर के ऊपर निकल चुका है। आलम यह हो चुका है कि पूरे पूरे गांव में कांग्रेस को 0 वोट मिला है। आलम यह हो चुका है कि गांव वाले कह रहे हैं कि हमने कांग्रेस को वोट किया है लेकिन फिर भी कांग्रेस को एक भी वोट नहीं मिला है। हालत तो इतनी खराब दिखाई दे रही है कि प्रत्याशी को उसी के परिवार के लोगों का वोट नहीं मिला है। और तो और जो ईवीएम है वो भी 99% से ज्यादा चार्ज पाई गई है और इन्हीं चार्ज ईवीएम के जरिए कई सीटों पर हेर फेर भी हुआ है। तो महाराष्ट्र में अब पानी निकल चुका है सिर के पार। अब इसी को लेकर महाविकास अघाड़ी गठबंधन ने एक्शन लिया है, और कितना तगड़ा ये एक्शन लिया है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकती हैं कि विधायक शपथ नहीं ले रहे हैं। और अब शपथ नहीं लेंगे तो सरकार का गठन नहीं होगा, और सरकार का गठन नहीं होगा तो चुनाव आयोग को घुटनों पर आना पड़ेगा। और अगर चुनाव आयोग घुटनों पर आया या फिर की रिकाउंटिंग हो गई या फिर की बैलेट पेपर से चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा और जिस तरीके से पूरा सिस्टम काम कर रहा है उसका क्या होगा आप समझ सकती हैं। तो जाहिर सी बात है प्रियंका जी, जिस तरह से विपक्षी विधायकों ने एक्शन लिया है अब ये हम देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में अब पेच फंस गया नतीजों को लेकर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों को ये जानकारी देने के लिए। आप देख सकते हैं कि 46 विधायकों ने बगावत कर दी है, शपथ लेने से इनकार कर दिया है, उसके बाद से माहौल काफी गरमाया हुआ है और अमित शाह भी अपने ही खेल में फंसते हुए जा रहे हैं। तो 46 विधायकों के बगावत के बाद आखिरकार क्या होता है महाराष्ट्र का सियासी माहौल, आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बातचीत कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।